पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन जो कुछ भी करना हो बेधड़क कर सकते हो, उसका पुण्य फल हजारों लाखों गुना प्राप्त हो जाए, वो है फुलेरा दूज का दिन। मान लो कोई व्यापार आप कर रहे हो और कोई व्यापार ऐसा है या फिर शरीर में ऐसा कोई रोग हो गया कि धीरे 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 शरीर गलता ही जा रहा है, कहीं शुगर पकड़ रही, कहीं बीपी पकड़ रहा, कहीं किडनी, कहीं लीवर गड़बड़ कर रहा है, कहीं नेत्रों से परेशान, कहीं श्रवण शक्ति से परेशान, कहीं घुटने से, कहीं कमर से, कहीं हाथ पैर से, तो इस तरह के तकलीफ अगर चालू है आपको, शिव महापुराण की कथा कह रही है। सबसे पहले व्यापार के लिए कि आपका अगर व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत कष्टप्रद है, बहुत ज्यादा तकलीफ में, और व्यापार ठीक चल ही नहीं रहा, सारे उपाय कर देख लिए, सब तरह से हताश हो गए, तो एक फुलेरा दूज का कर लेना। अमर बेल के 7 टुकड़े, कितने टुकड़े? 7 अमर बेल के टुकड़े, 7 कमल गट्टे, 7 का दूध, बेलपत्री 7, शमी के पत्र 7। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करना है और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन करना है। जैसी पूजन की थाली आप लगाकर लेकर जाते हो वैसे की वैसी लेकर जाना आपको, और शंकर भगवान का पूजन कर घी का दिया लगाकर पूरा आनंदमय पूजन स्मरण कर जो वस्तुएं आपको बताई ये सारी वस्तुएं शंकर भगवान पर समर्पित कर दो, पूर्ण चीज। दिया जब तक विसर्जन ना हो जाए, दिया ठंडा ना हो जाए, तब तक वहीं बैठिए, दिए में उतना घी डालिए जितनी देर आप पूजन कर लें बैठे। उसके बाद में बाबा के ऊपर चढ़ी हुई कमल गट्टा और अमर बेल का टुकड़ा उठाकर ले आइए, ये केवल फुलेरा दूज के दिन का है, इसके सिवाय नहीं कर सकते इसको, ठीक है। और बाबा का शिवलिंग विसर्जन कर दीजिए उसको लेकर, पर ध्यान देना पहले शंकर का शिवलिंग विसर्जन करना, फिर वस्तु को लेकर घर में आना। अमर बेल का टुकड़ा और कमल गट्टा ये आपको घर पर लेकर आना है। व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको लाल वस्त्र के अंतर्गत भगवान शंकर कुबेर भंडारी का नाम लेकर, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कुबेर भंडारी का नाम लेकर, उस शंकर जी का नाम लेकर, और किसी भी जगह पर अपनी अलमारी में, तिजोरी में, बरकत स्थान पर, दुकान में, व्यवसाय में, गुल्लक में, जहां मर्जी पड़े एक जगह पर उसको रख देना। मात्र 2.5 महीना इंतजार करिए, अगर आपको लाभ ना मिले तो उठाकर विसर्जन कर देना, पर 2.5 महीने के अंदर बाबा कुबेर भंडारी धीरे 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 व्यापार में उन्नति देना प्रारंभ कर देता है, कुछ नई राहें भोलेनाथ बनाना प्रारंभ कर। क्यों? क्योंकि ये फुलेरा दूज केवल एक देवी देवता के लिए नहीं, फुलेरा दूज 33 कोटि देवी देवताओं का एक उत्सव है। भगवान कृष्ण का तो उत्सव है ही फुलेरा दूज, कि उस दिन भगवान माता राधा रानी रूठ गई और रूठी हुई राधा रानी को मनाने के लिए भगवान शंकर भगवान कृष्ण ने एक फूल फेंका, जैसे फूल फेंका तो सारी दूर हरियाली हरियाली उत्पन्न हो गई, हर जगह पर पुष्प प्रसन्न चित्त हो गए। ये कृष्ण का, जिसको शरीर में कष्ट है, बहुत ज्यादा रोग घेर रहे हैं और शरीर ठीक नहीं है, हॉस्पिटल डॉक्टर 24 घंटे चल रहे हैं, हर 2 दिन में, 15 दिन में, 8 दिन में, उसके लिए भी वर्णन किया गया कि भगवान शंकर का अनुमोदन करने के लिए एक लोटा पानी, कलश में जल, जल के अंदर दूध, दूध के साथ में शहद, शहद लेकर भगवान शंकर के मंदिर में थोड़ा सा जल समर्पित कर थोड़ा नंदीश्वर को चढ़ाकर थोड़ा सा जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे हाथ में ले लेकर सिंचन करना। एक चढ़ाने वाली बात अलग हो जाती, एक सिंचन करने वाली बात अलग हो जाती। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे शहद का जल, भगवान शंकर के स्मरण का, जो व्यक्ति को रोग बहुत घेरा हुआ हो वो सिंचन करे, धीरे 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 रोग से मुक्ति हो जाती है, रोग से मुक्ति। भगवान शंकर शिव के मस्तक पर, पिंडी पर, शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चढ़ाया गया वो फुलेरा दूज का दिन था, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है
जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो, कोई काम नहीं हो, उस दिन केवल फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का, आदि का कोई भी मुहूर्त कर लो, वो कभी ठप नहीं हो सकता, वो बढ़कर ही चलेगा। सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं, सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं फुलेरा दूज। कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, और फुलेरा दूज का दान पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन नाम स्मरण समाप्त नहीं होता। चक्कर आ जाते हो, अचानक गिर जाते हो, हाफड़ी भराने लगती हो, थोड़ा सा चलने पर श्वास फूल जाती हो, ज्यादा चढ़ने पर। उनके लिए विशेष है कि धतूरे की जड़ को, धतूरे का जो फल होता है उसकी जड़ महाराज निकालकर धोकर उसको घिसकर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए, थोड़ी सी जड़ शिव जी पर चढ़ा दीजिए फुलेरा दूज के दिन। उस जड़ को पानी चढ़ाकर वापिस लेकर आ जाइए। जो मिर्गी का मरीज होता है, जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की होती है, चलने में हाफड़ी भरा जाती हो, फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय पर उसको वो जड़ केवल 3 या 4 बार सुगंध में सुंगा दी जाती है, तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है, और जिसको दमा श्वास फूलता है उसको भी आराम लग जाता है। फुलेरा दूज के दिन उसके लिए नित्य आनंद का सुख दे जाती है। और भी ध्यान दें, जिसको बहुत भारी बीमारी हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, गांठ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, निवेदन है, एक धतूरा फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें, और 5 बेलपत्र नंदीश्वर भगवान पर अर्थात भगवान नंदी पर समर्पित करें। जीवन में कितनी बड़ी भी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती, वो केवल फुलेरा दूज पर होगा, केवल फुलेरा दूज के दिन, उसके सिवाय नहीं। और वो 15 मार्च को है, मौका मिला है आनंद से। धतूरा होता है विषैला, कैसा होता है विषैला, बहुत विष होता है धतूरे के अंदर, पर महाराज भगवान शिव को वो समर्पित किया जाता है। जैसे पार्वती जी को लगा जब कोई साथ नहीं दे रहा, पार्वती जी को लगा जब कहीं से सुख का अनुभव नहीं हो रहा, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा, पार्वती जी ले गई धतूरा, पार्वती मैया ले गई उस बेलपत्र को शिव को, और प्रयास करना अगर दुख है तो एक धतूरा समर्पित कर एक लोटा पानी अवश्य समर्पित कर। उनके लिए भी कहूंगा जिनको शरीर में दाद हो जाती है, खाज हो जाती है, या खुजलियों का क्रम हो जाता है, उनके लिए भी महाराज धतूरे का पानी, धतूरा एक लोटे में डाल दो, पानी रख दो उसमें, उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिव जी को समर्पित कर दो, वही पानी को लेकर आ जाइए और कुछ देर तक शरीर में लगाकर बैठ जाइए महाराज। वो केवल फुलेरा दूज का है महाराज, उसको शरीर में लगाकर थोड़ी देर बैठ जाइए, 15-20 मिनट तक शरीर के अंतर्गत कोई वस्त्र ना हो, उस वस्त्र को उतार कर उसको लगाकर बैठ जाओ। 2.5 से 3 महीने में दांत खाज किसी भी चर्म रोग होगा वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाएगा महाराज। फुलेरा दूज का महत्व शास्त्र कहता है, भले इसको छुपा कर रखा गया हो शास्त्रों के अनुसार, पर इसकी महत्वता, जो दुकान, जो व्यापार, जो व्यवसाय, और पहले भी आपको कहा, मान लो आप शिवरात्रि के दिन रात को भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाते हो व्यापार व्यवसाय के लिए, और वो धतूरा आप शिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे से पहले नहीं बांध सकते, तो उस धतूरे को फुलेरा दूज के दिन लाल वस्त्र में बांध कर अपने व्यापार वाली जगह पर बांध दो, जीवन में कभी व्यापार नीचे नहीं जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। और उनके लिए भी निवेदन करूंगा जिनके यहाँ कर्जा बहुत है, बहुत कर्जा है, चूकी नहीं रहा, पैसा ही नहीं रहा, व्यापार चले तो कर्जा चूके, उनके लिए भी निवेदन करूंगा एक धतूरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर फुलेरा दूज के दिन उस धतूरे को अपनी कामना कर कर हल्दी में भिंगो कर उसको भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए, अपनी कामना कर कर उसी हल्दी की एक बिंदी अपने साथ में रुमाल में लगाकर अपने व्यापार व्यवसाय की जगह पर लेकर जाइए। कर्जा धीरे 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 जब चूकेगा, जब लक्ष्मी आएगी तो लक्ष्मी की वृद्धि भी वो करता महाराज। ये फुलेरा दूज के उपाय। जिस दिन माँ जगजननी जगदम्बा अम्बा
स्वयं भगवान शंकर को मौन होकर देख कर विलापित होती हैं, नैनों से नीर बहता, शिव को हुआ क्या, शंकर को क्या हुआ है, योगर्दानी को हुआ क्या। नयन जल मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ऐसा धक्का दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोले। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इस चित्तवृत्ति के मन की बात को धारण करने वाले, जिन लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, महाराज विवाह के लिए बहुत परेशान हो गए, उनके लिए भी 5 बेलपत्र, 1 धतूरा, 5 शमी पत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, सारे ग्रह भले अनुकूल है नहीं है, प्रतिकूल है नहीं है, वो अपने अनुसार उसको लेकर शमी पत्र, बेलपत्र और धतूरा हाथ की हथेली में रखकर, जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, बहुत कष्टप्रद है, हाथ में रखकर अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, भगवान शंकर की जलाधारी पर शिवलिंग, पार्वती जी का हस्त कमल जहां से चरण जल नीचे जाता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग कार्तिकेय का स्थान, जलाशय में से, जलाधारी में से जो जल नीचे गिरता है बूंद बूंद, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीवारी, दोतली और देव, शंकर जी की 1 लड़की और अशोक सुंदरी 6 नंबर की, उसका स्थान इन पानी जो जाता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, उस मोटी सी लाइन पर जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। किसका स्थान है? अशोक सुंदरी। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, जलाधारी, माता पार्वती जी का हस्त कमल, चरण राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी, और ऊपर से जो 1-1 बूंद पानी गिरा रहा है वो है शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीवारी, दो तली और देव, शिव की 5। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा अशोक सुंदरी वाली जगह पर, हाथ में लेकर वो धतूरे के साथ शमी पत्र, बेलपत्र समर्पित करें और बाबा से निवेदन करें, बाबा आपकी कामना पूर्ण, फुलेरा दूज करें। अशोक सुंदरी पर जो धतूरा चढ़ता है, वैसे तो अशोक सुंदरी पर धतूरा बहुत कम चढ़ता है, केवल एक फुलेरा दूज का दिन ही ऐसा होता है जिस दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरा चढ़ता है, अशोक सुंदरी वाली। श्री स्वयं नमस्तुभ्यम। फुलेरा दूज का बड़ा महत्व है क्योंकि शिवलिंग पर सबसे पहले धतूरा फुलेरा दूज के ही दिन चढ़ा था, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन कोई मुहूर्त ना हो फिर भी सिर्फ फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी व्यापार, दुकान, कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, वो कभी ठप नहीं होगा, हमेशा उन्नति ही होगा। गुरुजी ने कहा दुनिया में सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, लेकिन फुलेरा दूज के दिन दान कर्म, सत्कर्म, कीर्तन, नाम जप, स्मरण कभी समाप्त नहीं होता। फुलेरा दूज के दिन किया जाने वाला उपाय जानते हैं? यदि आपको चक्कर आ जाते, अचानक गिर जाते हैं, चलते चलते हाँपने लगते, श्वास फूल जाती है, थोड़े सी सीढ़ी चढ़ने पर उनके लिए विशेष उपाय है। आपको धतूरे की पेड़ ढूंढना है और उसकी थोड़ी सी जड़ मिट्टी से निकाल लें और उसे ढोकर घिस लें और उसको शिवलिंग पर लेपन कर दीजिए और थोड़ी सी जड़ शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए
उसके ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दीजिए और इस जल को उठा के घर ले आइए। और जो मिर्गी का रोगी होता है, श्वास की शिकायत होती और फुलेरा दूज के दिन ही दोपहर में उस व्यक्ति को उस जल को 3 या 4 बार सूंघा दीजिए तो सांस की बीमारी ठीक हो जाती है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। अगर किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा रोग हो गया है, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहा है, तो एक धतूरा फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें। 5 बेलपत्र नंदीश्वर भगवान पर समर्पित करें। जीवन कितनी भी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी महादेव की कृपा से। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। जिनको शरीर में दाग खाज खुजली हो जाती है, एक लोटा जल लें, उसमें एक धतूरा डाल दे और उसमें थोड़ा चंदन डाल दे, उस लोटा जल को शिवलिंग पर समर्पित कर दे और समर्पित किया हुआ जल को ले आए और उस जल को शरीर में लगाकर बैठ जाए। थोड़ी देर लगा रहने दे, 15-20 मिनट। 3 महीने के अंदर कैसी भी चर्म रोग होगा धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। यदि आपके बेटा या बेटी का विवाह नहीं हो रहा, उम्र बढ़ती जा रही है, तो फुलेरा दूज के दिन ये उपाय जरूर करें। आपको 5 बेलपत्र, 1 धतूरा और 5 शमीपत्र लेना है और उसे अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक साथ चढ़ा दें। ये उपाय उन्हीं को करना है जिनका विवाह नहीं हो रहा और महादेव से कामना करें कि विवाह जल्द हो जाए। अशोक सुंदरी वाले स्थान पर केवल फुलेरा दूज के दिन ही धतूरा चढ़ता है। बढ़ते हैं पांचवें उपाय की ओर। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा, सब उपाय करके देख लिए, तो एक फुलेरा दूज में ये उपाय जरूर करें। अमर बेल के 7 टुकड़े, 7 कमलगट्टे, गाय का दूध, 7 बेलपत्री, 7 शमीपत्र, ये सब आपको लेकर बेलपत्री के वृक्ष के पास जाना है और बेलपत्री वृक्ष के नीचे आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। उस शिवलिंग की पूजा करें। जैसे आप शिवालय पूजा की थाली सजा के ले जाते हैं, वैसे ही थाली लेकर जाकर पूजन करें। घी का दिया जलाएं और जितना भी आपको सामग्री बताएं उन सबको शिवलिंग पर अर्पित कर दें। दिया जब तक अपने आप बुझ ना जाए तब तक वहीं बैठे। दिए में उतना ही घी डालें जब तक आपका पूजन हो, कम ही घी डालें। उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ी कमलगट्टा अमरबेल उठा के ले आइए और शिवलिंग को विसर्जन कर के ही घर में अमरबेल कमलगट्टा ले आए। व्यापार वाली जगह में लाल कपड़े में बांध दें और कुबेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी जगह, अलमारी तिजोरी दुकान कहीं भी एक जगह रख दें। मात्र 2.5 महीने इंतजार करें। अगर आपको लाभ ना मिले तो उठा के विसर्जन कर दें, लेकिन 2.5 महीने में व्यापार में उन्नति मिलना धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। बढ़ते हैं छठे उपाय की ओर। अगर आपके शरीर में बहुत कष्ट है, बहुत रोग है, तो एक लोटा जल ले, उसमें थोड़ा सा दूध और शहद डाल दे और जल को थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाए, फिर वही जल थोड़ा नंदीश्वर को चढ़ाए, फिर थोड़ा सा जल बेलपत्र वृक्ष के नीचे हाथ में लेकर सिंचन करना है। चढ़ाना अलग होता है, सिंचन करना है। धीरे धीरे वो व्यक्ति रोग से मुक्त होने लगते हैं। आप इसमें उपाय में से कोई भी एक उपाय फुलेरा दूज के दिन जरूर करें। हर हर महादेव।